everyone, welcome to Shom's IAS. I am Shivangi Sharma, and here we are with our last chapter of class 11th history. So 11th class ki history ka ye last chapter hone wala hai. Uske baad hum jaane wale hain class 12th ki history mein. So history bhi hamari almost khatam ho gayi samjho. Theek hai, then we'll move toward politics. Theek hai. So chalo chapter padh lete hain. And the name of the chapter is Paths to Modernization. Dekho. हर एक चैप्टर का नाम ना इतना सिंपल रहा है पूरी क्लास 11th में, मतलब सारी क्लासेस में हमने जो तक पढ़ा अभी तक, कि आप क्लास कि आप चैप्टर का नाम पढ़ो ना, हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने की उसके बाद ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. क्योंकि देखो पाथ्स का क्या मतलब होता है, पाथ्स का मतलब होता है रास्ता, वेज, राइट. और मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन मतलब पुरानी जो भी पुरानी चीज़ें चलती आ रही थी, ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही थी, उनको छोड़ के मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट करना, डैट इज़ मॉडर्नाइजेशन, राइट. सो कैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, कुछ कंट्रीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो चलो, मतलब जो ईस्ट इंडिया है ना, वो 19th century के शुरुआत से चाइना से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड था, मतलब चाइना ने का डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा था ईस्ट इंडिया में, ठीक है. जो किंग डायनेस्टी थी उनके बहुत ही लंबे चौड़े ट्रेडिशन हुआ करते थे, ठीक है. और उन्होंने ना अपनी पावर बहुत ही ज़्यादा जगहों पे घेर रखी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एरिया उन्होंने अपने अंडर कर रखा था. उसमें से एक और कंट्री है जापान. जापान भी उस टाइम चाइना के अंदर आता था, जापान चाइना की कॉलोनी थी, ठीक है. सो कुछ दशकों में जो चाइना है उसकी, मतलब उसको कुछ ऐसे कॉलोनियल चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है. जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी उनका पॉलिटिकल कंट्रोल छूट गया, वो मतलब इतने रिफॉर्म्स आए जिसकी वजह से सिविल वॉर वगैरह शुरू हो गई कंट्री के अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल चीज़ें वो बहुत ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही थी. फिर जापान ने मौके पे चक्का मारा और उन्होंने वो फ्री हो गए और उन्होंने अपना मॉडर्न नेशन स्टेट बना दिया, ठीक है. फिर उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल इकॉनमी और इवन जैसे अभी तक हमने देखा कि जापान चाइना के अंडर था, अब जब जापान फ्री हुआ तब जापान ने दूसरी कंट्रीज़ को अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, मतलब जो चाइना ने उनके साथ किया वही उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ किया, ठीक है. उस टाइम पे उन्होंने ताइवान और कोरिया जैसी कंट्री को जो है वो अपना कॉलोनी बना ली, ठीक है. चाइना को जापान ने हरा दिया, ठीक है. और जो लैंड था जो कि उनके कल्चरल सोर्स के लिए काफ़ी अच्छा था, ठीक है. सो 1894 में रशिया और जो यूरोपियन पावर है 1905 उनका भी जो है वहाँ पे, मतलब उनका जो कल्चरल सोर्स और आइडियाज है उनको थोड़ा थोड़ा उन्होंने अडेप्ट करना शुरू करा, ठीक है. जो चाइनीज़ थे उन्होंने ना बहुत ही आराम से इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करा, बिकॉज इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ वो लोग फेस कर रहे थे, ठीक है. सो अब जब उनके जो ट्रेडिशन है और जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, मतलब उनको अपने ट्रेडिशन को रीडिफाइन करना पड़ रहा था ताकि वो मॉडर्न वर्ल्ड को उस मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मतलब कोप कर सके, ठीक है. सो उन्होंने अपने नेशनल स्ट्रेंथ को रिबिल्ड करने के लिए और वेस्टर्न और जापानीज़ कंट्रोल से फ्री होने के लिए उन्होंने सोचा कि हाँ अब जो हमारी जो ट्रेडिशन है उसको हम रीडिफाइन करेंगे, ठीक है. सो उन्होंने देखा कि उनके उनको ना दोनों ऑब्जेक्ट उनको दो ऑब्जेक्टिव से वो अचीव करने की ज़रूरत है. जैसे सबसे पहले जिसमें से उनको इनइक्वालिटीज़ रिमूव करनी है और उनकी कंट्री को रीबिल्ड करना है, ठीक है, रेवोल्यूशन के थ्रू. सो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उस टाइम पे विक्टोरियस हो गई फ्रॉम द सिविल वॉर इन 1949, ठीक है. मतलब 1970s के एंड आते आते जो चाइनीज़ लीडर्स थे उनके उनका जो आइडियोलॉजिकल सिस्टम था उसमें थोड़ा चेंज आया और उनका जो सोच है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ पे ज़्यादा झुक गया, ठीक है. जिसकी वजह से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले कम इकोनॉमी में भी, ठीक है. और फ्री मार्केट आ गया था कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर और कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी भी जो है पॉलिटिकल कंट्रोल अपने अंडर करा हुआ था, ठीक है. सो जापान काफ़ी एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन बन गया, ठीक है. उन्होंने काफ़ी सारी वॉर लड़ी और उन्होंने एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस को भी हरा दिया था, ठीक है. सो जो US ऑक्यूपेशन है उन्होंने मार्क करा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो जापान को हेल्प करेगा और उनको अगर अपनी इकॉनमी को रीबिल्ड करना है और एक मेजर इकोनॉमिक पावर की तरह एस्टेब्लिश करना है, ठीक है. सो जो जापानीज थे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का पाथ लिया और उन्होंने कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल को बिल्ड करना शुरू करा, मतलब कैपिटल होनी चाहिए कंट्री में, ठीक है. मतलब जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि कंट्री के अंदर कैपिटल हो, ठीक है. सो
ये सेम चीज़ है, वो वेस्टर्न कॉलोनीज़म में भी काफ़ी ज़्यादा जो है डोमिनेटेड थी बिकॉज उस टाइम पे, सो वेस्टर्न में जैसी जैसी चीज़ें हो रही थी, बिकॉज जापान जो है वो ईस्ट की तरफ में आता है, राइट? सो ईस्ट इज़ लाइक फेमस फॉर देयर कल्चर एंड वेस्ट इज़ लाइक फेमस फॉर देयर दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ठीक है? सो जब इतना रैपिड डेवलपमेंट आया तब काफ़ी लोग तब जापान में जो है वेस्ट का भी थोड़ा डोमिनेशन देखने को मिल रहा था हमें, ठीक है? सो ये जो रैपिड डेवलपमेंट है उसके अंदर जापानीज जो जापानीज इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में ट्रेडिशन की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है? और नेशनलिज्म की भी स्ट्रेंथ उस टाइम लोगों के अंदर आ गई और लोगों को समझ आया कि हाँ हमें क्या करना है, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सो चाइना और जापान जो कि आज बहुत ही फिजिकल कॉन्ट्रास्ट मार्क किए जाते हैं, राइट? सो चाइना जहाँ की एक बहुत ही वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जहाँ का जो एक क्लाइमेट जोन में आता है, जिसके कोर में तीन मेजर रिवर सिस्टम है, जैसे येलो रिवर, यांगत्से रिवर एंड द पोल रिवर, और ये और कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पे माउंटेन्स है, राइट? सो इनका जो डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है वो है हैन, और जो मेजर लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? चाइनीज, राइट? बट काफ़ी सारे और नेशनलिटीज़ भी थी वहाँ पर, जैसे कि उइगुर, हुई, मंचू और टिबेटियन, ठीक है? सभी के डायलेक्ट अलग अलग थे, जैसे कि कैंटोनीज, संघाइनीज, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटी में बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी बोली जाती थी, थोड़ी 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 करके बहुत सारे डायलेक्ट्स थे कंट्री में, जैसे इंडिया में भी है, राइट? इंडिया में जैसे जो लैंग्वेजेस को हम बोल सकते हैं, जो लैंग्वेजेस पॉपुलर नहीं है बट जिनको एक कंट्री ने जिन्होंने उनको एक वो दी हुई है, जैसे ओडिशा में ओडिसी बोली जाती है, राइट? राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, बट काफ़ी जगहों पे ना छोटे छोटे डायलेक्ट्स है। जैसे अगर हम यूपी के बारे में बात करें, सो यूपी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है? जैसे अगर हम हिमाचल या उत्तराखंड वाली साइड जाए तो वहाँ की आपने देखा होगा ऐसी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, जैसे गुजरात की गुजराती है, बिकॉज हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी जैसी जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है? सो उन्हीं को डायलेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है? सो वैसा ही यहाँ पर था। और जो चाइनीज़ फूड है, ऑफकोर्स चाइनीज़ फूड जो है वो रीजनल डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती थी। चार डिफरेंट टाइप के खाना बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खाने वहाँ पे देखने को मिलते थे, जैसे कि सदर्न साइड में जो कैंटोनीज कुजीन है वो ओवरसीज जाता था चाइना से, जो कि कैंटोन एरिया से आया हुआ था, ठीक है? जिसमें डिमसिम का बेसिकली मतलब होता था लिटरली टच योर हर्ट, ठीक है? ऐसा खाना था बेसिकली, जिसका मतलब ये था, एंड अजोमेंट ऑफ पेस्ट्रीज एंड डम्पलिंग्स। नॉर्थ की तरफ में हमें देखे तो वहाँ पे जो है वीट वहाँ का स्टेपल फूड हुआ करता था, ठीक है? जबकि सेजवान स्पाइसेस जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पर उस टाइम पे लेकर आए थे एंशियंट पीरियड में, ठीक है? सिल्क रूट के साथ साथ जो पोर्टुगीज ट्रेडर है वो चिलीज लेकर आए थे 15th सेंचुरी में, और इसीलिए वहाँ का कुजीन जो है ना काफ़ी स्पाइसी है, हम बस बोल सकते हैं। ईस्टर्न चाइना में राइस और वीट दोनों खाई जाती है, ठीक है? जापान बाई कॉन्ट्रास्ट एक आइलैंड है, राइट? आइलैंड का एक स्ट्रिंग है जहाँ के फोर लार्जेस्ट जो बींग है वो है होनशो, क्योशो, शिकोकू और होकाइडो, ठीक है? सो जो ओकिनवान चेन है वो सदर्न मोस्ट में है और बहामास के साथ सेम लैटिट्यूड में वो आते हैं, ठीक है? सो 50% से जो ज़्यादा लैंड एरिया है वो ज़्यादातर आइलैंड ही है, ठीक है? माउंटेनियस आइलैंड जापान के, और ये जो है काफ़ी एक्टिव अर्थक्वेक जोन है, सो काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक भी उस साइड पे है, ठीक है? तो जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा जैसा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर जो आर्किटेक्चर है वो भी उसी टाइप का वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? जो पॉपुलेशन है जापान की वो स्मॉल ओइनो माइनॉरिटी और कोरियंस जो कि जिनको ज़बरदस्ती जो है कोरिया से उस टाइम पे जब कोरिया जापानीज कॉलोनी थी तब वहाँ पे ला गया, उनको रख दिया गया था, और वो अभी भी वहीं है कोरिया में, ठीक है? सॉरी जापान में। सो जापान में ना एनिमल रियरिंग का इतना ट्रेडिशन नहीं है, राइस वहाँ की स्टेपल क्रॉप है और फिश जो है वो मेजर सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है? फिर जैसे रॉ फिश यानी कि सशिमी और सुशी आपने सुना ही होगा, ठीक है? ये आजकल तो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डिश हो गई है बिकॉज दे आर वेरी हेल्दी, ठीक है? सबसे पहले ना हम जापान के बारे में डिस्कस करेंगे, देन विल मूव टूवर्ड चाइना, ठीक है?
सो जापान का पॉलिटिकल सिस्टम देखो, जो एम्परर जिन्होंने जापान में रूल किया वो कयोटो के थे, और उन्होंने लाइक ट्वेल्थ सेंचुरी में जो एम्पायरल कोर्ट था उसकी पावर मतलब लूज हो गई टू शोगुन्स, ठीक है। और ये जो थ्योरी थी ना, ये एम्परर की थ्योरी के आगे इनका नाम दिया गया था। देखो 1603 से 1867 तक जो तोकुगवा फैमिली है ना, उसी का पोजीशन था शोगुन, मतलब आप बोल सकते हो कि राजा वही थे, एम्परर वही थे उस टाइम पे, ठीक है। तो जो कंट्री थी ना वो 1200 डोमेन्स में डिवाइडेड थी, 250 डोमेन्स में डिवाइडेड थी, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड्स जो है वो रूल किया करते थे। और इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था दाइम्यो, ठीक है। सो जो शोगुन है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो अपनी पावर दिखा सके कि उनके पास कितनी ज़्यादा पावर है, ठीक है, अपना डोमेन दिखा सके, ठीक है। सो उनकी जो कैपिटल थी वो थी ईडो, जो कि आज टोक्यो है, ठीक है। आज हम टोक्यो के नाम से जाते हैं जापान की कैपिटल को, उस टाइम पे उसको ईडो बोला जाता था, ठीक है। सो जो डोमिनियन लॉर्ड थे वो जो है ईडो में यानी कि कैपिटल में रहा करते थे काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। सो और उनको कोई भी थ्रेट नहीं था वहाँ पे, वो मेजर सिटीज़ को और माइंस को भी कंट्रोल किया करते थे। जो समुराई हुआ करते थे वो रूलिंग एलाइट हुआ करती थी, ठीक है, उस टाइम पे, और वो इन शोगुन्स और इन डाइमियो को जो है वो बोल सकते सर्व किया करते थे, ठीक है। एक यहाँ तक का मैं आपको फिर से समझा देती हूँ क्या था, कि जो एम्परर हुआ करते थे उनको बोलते थे शोगुन्स, ठीक है। और जो मतलब आप ऐसा बोलो कि एक कंट्री जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन स्टेट, सपोज कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है, फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल, ठीक है, चलो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, दिस इज इंडिया, ठीक है। सो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। सो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, सो उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के क्या है, चीफ मिनिस्टर्स है, राइट। वैसे ही सिस्टम यहाँ पे था कि जो कंट्री है वहाँ की जो एक राजा है उनको शोगुन बोला जाता था, ठीक है। और इन छोटी छोटी स्टेट्स के जो भी बोल सकते जो भी लॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनके अंदर इन्हें छोटी छोटी सिटीज़ आया करती थी, जो इन सिटीज़ को कंट्रोल किया करते थे, इनको दामियोस बोला जाता था। और इन दोनों को कौन सर्व करता था, शोगुन्स, ठीक है। सो लेट 16th सेंचुरी में तीन ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से फ्यूचर डेवलपमेंट का पैटर्न बैठ गया था। पहला जो पीजेंट्री थी उनको डिसआर्म किया गया और सिर्फ समुराई ही सवॉर्ड्स कैरी कर सकते थे। मतलब पहले क्या हुआ करता था ना, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट चैप्टर्स में, कि जो पीजेंट्स थे ना उनको ज़बरदस्ती जो है इसमें युद्ध में जो उनको ये बना दिया जाता था, मतलब आर्मी में इनको डाल दिया जाता था। बट जापान ने ये सिस्टम हटा दिया और उन्होंने जो ट्रेंड समुराई थे जिनको लड़ाई करना आता है सिर्फ उन्हीं को रखा, ठीक है। और इसके वजह से जो पीस और ऑर्डर है ये मेंटेन हो गया, ठीक है। सेकंड, जो दामियों थे उनको ऑर्डर दिया गया कि वो कैपिटल्स में रहे अपने डोमेन्स के अंदर, और हर एक की मतलब जो है अपनी ऑटोनॉमी होगी, बट वो रहेंगे कहाँ, सिर्फ कैपिटल में, ठीक है। तीसरा, जो लैंड सर्वे है वो आइडेंटिफाई किए, मतलब लैंड सर्वेस हुए ताकि ओनर और टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई कर सके और लैंड को ग्रेड कर सके अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी, ताकि एक स्टेबल रेवेन्यू बेस बन जाए। मतलब कौन सी लैंड में कैसा प्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ से फिर रेवेन्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो जो दामियों के जो कैपिटल्स थे वो बढ़ते ही जा रहे थे, ठीक है। सो मिड 19th सेंचुरी आते आते जापान जो था वो मतलब इकलौता ऐसा पॉपुलर जो मोस्ट पॉपुलेट सिटी नहीं था वर्ल्ड का, ठीक है। ईडो के साथ साथ और भी दो ऐसे लार्ज सिटीज थे जैसे कि ओसाका और क्योतो, ठीक है। सो एटलीस्ट हाफ ऑफ द डजन कासल टाउन और पॉपुलेटेड पॉपुलेशन ओवर 50%, ठीक है। सो आप देख सकते हो कितनी जो उस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ गई थी, ठीक है। इसकी वजह से कमर्शियल इकोनॉमी की भी ग्रोथ हुई, ठीक है। फाइनेंशियल और क्रेडिट सिस्टम बनने लग गया बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गया था। ये जो पर्सन का मेरिट था ना, ये और ज़्यादा इसको वैल्यू मिल गई ताकि उसका स्टेटस बन सके, ठीक है। सो जो वाइब्रेंट कल्चर था वो मतलब टाउन्स में वो भी जो है काफ़ी सारा फैलने लग गया, मतलब पुराना कल्चर जो था वो लोगों ने छोड़ा नहीं, ठीक है। सो जो फास्ट ग्रोइंग क्लास थी मर्चेंट्स की, अब उन्होंने थिएटर और आर्ट को पैटर्न शुरू कर दिया, मतलब बेचना वगैरह शुरू कर दिया और उसको भी और ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है।
सो लोगों को ना उस टाइम पे रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, लोग बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे। सो अब इतना बुक्स पढ़ा करते थे कि ईडो में यानी कि टोक्यो में आपको अगर एक बाउल नूडल खाना है तो आप एक बुक को रेंट में रख सकते थे, ठीक है, उस टाइम पे। सो इतनी पॉपुलर जो है वो रीडिंग हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है, कि मैं एक बाउल नूडल खा रहा तब तक आप मेरी ये बुक रेंट में रख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इतना जो है उस टाइम पे रीडिंग का मतलब रीडिंग इतनी पॉपुलर हो चुकी थी, ठीक है। सो उस टाइम पे ये भी पता चल रहा है कि उस टाइम पे प्रिंटिंग भी कितनी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, फैल गई थी। जापान जो है ना वो उसको काफ़ी रिच कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो ना उनकी जो वो लग्जरी गुड्स इम्पोर्ट करते थे चाइना से और इंडिया से, जो टेक्सटाइल वो इम्पोर्ट किया करते थे, और बदले में उनको गोल्ड और सिल्वर जो है उसमें पे किया करते थे, ठीक है। सो इसके वजह से जो तोकुगावा थे ना उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए कि जो प्रीशियस मेटल्स है ना उस पर एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रीशियस मेटल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और उनकी कमी भी अब देखने को मिल रही थी, ठीक है। सो इसकी वजह से एक और स्टेप लिया गया ताकि जैसे कि जो निशिजिन है वहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री, निशिजिन जगह है क्योटो में, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक सिल्क की इंडस्ट्री सेटअप कर दी ताकि इम्पोर्ट्स को रिड्यूस कर सके, ठीक है। इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, बदले में जो है प्रीशियस मेटल्स जा रहे थे कंट्री से, ठीक है। और जो डेवलपमेंट ऐसे देखने को मिले उधर पे मनी का यूज़ ज़्यादा हो गया, ठीक है, और लोग जो है स्टॉक मार्केट में क्रिएशन वगैरह करने शुरू कर दिए, किस चीज़ का, राइस का, जिसकी वजह से इकोनॉमी की जो है डेवलपमेंट वो और ज़्यादा नए तरीक़ों से देखने को मिलने लग गई, ठीक है। सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि एंशियंट जापान लिटरेचर जो है वो अब लोगों को ना उससे अब लोग क्वेश्चन उठाने लग गए थे कि चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस अब कम हो रहा है, ठीक है। सो अब वो ये भी बोलने लग गए थे कि जापानीज़ का जो मतलब एक एक जब आप जापानीज़ होते हो ना उसका जो एसेंस होता है अंदर से कि हाँ हम जापान के, जैसे हम इंडियंस हैं तो हम जब बोलते हैं ना हम इंडियंस हैं तो अंदर से जो एसेंस आता है, जो आपको फील होता है, जो प्राउड फील होता है, वो जापानीज़ ने बोला कि जब तक अब इतना लोगों के बीच में नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज अब हम चाइना के साथ जो है कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, बट उससे पहले जो है लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जो है ऐसे फील किया करते थे, ठीक है। सो ऐसी अर्ली क्लासिक्स थी जैसे कि टेल ऑफ गेंजी, वहाँ पे ऐसे मिथ ओरिजिन होने लग गए कि ये जो आइलैंड है ना ये भगवान ने बनाया है और जो एम्परर है वो सन गॉडेस का डिसेंडेंट होगा, मतलब कि जापान बेसिकली जो जगह है वहाँ पर ये भगवान ने बनाया और यहाँ का जो भी एम्परर होगा वो जो भगवान का यानी सूर्य भगवान का जो है वो डिसेंडेंट माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं द मीजी रिस्टोरेशन, जो इंटरनल डिस्कनेक्ट था ना उसकी वजह से ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में नई नई डिमांड आने लगी, ठीक है। सो 1853 में जो यूएसए था उन्होंने कोमोडोर मैथ्यू पेरी को जापान में भेजा, ठीक है, और उन्होंने डिमांड करा कि गवर्नमेंट एक ट्रीटी साइन करे जिसके वजह जिससे वो ट्रेड को परमिट कर सके और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको भी खोल दे, ठीक है। काफ़ी साल तक ये बात हुई बट जापान ने जो सिल्क रूट चाइना के लिए खोला था विच यूएसए सो अ मेजर मार्केट, ठीक है। सो उनकी जो वेलिंग शिप्स और जो पैसिफिक में उनको जो भी चीज़ें चाहिए हुई थी जैसे रीफ्यूल के लिए, ठीक है, उस टाइम पे एक ही ऐसी वेस्टर्न कंट्री थी जो जापान के साथ ट्रेड किया करती थी, डैट वॉज हॉलैंड, बिकॉज जापान और किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ उस टाइम पे ट्रेड नहीं करता था और जापान के जो सी रूट्स थे वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज जो है अवेलेबल होते थे, ठीक है। जब पेरी का जब अराइवल हुआ तो उस टाइम पे जापानीज आई एम वेरी सॉरी, सो उस टाइम पे जो जापानीज पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ा, बिकॉज जो एम्परर थे जो उस टाइम पे जिनके पास काफ़ी लिटल पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी अब वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गए, ठीक है। 1868 में जो मूवमेंट हुआ वो बहुत ही मतलब फोर्सिबली मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से शोगुन्स को पावर से हटा दिया गया और जो एम्परर थे उनको ईडो में बिठा दिया गया, ठीक है, और जिसकी वजह से जो कैपिटल है उसका नाम टोक्यो पड़ गया जिसका मतलब था ईस्टर्न कैपिटल, ठीक है। जो ऑफिशियल्स थे और जो पीपल्स थे वो अवेयर थे कि कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया में कॉलोनियल अपायर बिल्ड कर रही हैं और जगहों पे भी। सो जब ये बात फैली कि जो चाइना है
वो ब्रिटिशर्स से हार चुका है, ठीक है। अब ना बहुत ही पॉपुलर प्लेस होने लग गए, जिसमें अब लोग अब ना जापान के दिल में जो फेयर था कि कहीं वो भी एक कॉलोनी ना बन जाए फिर से, वो डर को फिर से दिखाया जा रहा था प्लेस के थ्रू। काफ़ी ऐसे स्कॉलर्स और लीडर्स थे जो कि इन चीज़ों को, मतलब ये जो यूरोप के नए आइडियाज़ थे उनको पढ़ना चाह रहे थे, उनको समझना चाह रहे थे, ठीक है। और यूरोप ना इग्नोर कर रहा था दैम एज द चाइनीज़ वर डूइंग, ठीक है। अब कुछ लोगों ने ऐसा आर्ग्यू करा कि हमें ना आउटर वर्ल्ड से इतना नहीं खुलना चाहिए, वी शुड बी प्रिजर्व, ठीक है। लोगों ने ऐसा बोला बिकॉज ऐसा ना हो कि हम भी फिर से कॉलोनी बन जाए। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च करी एक स्लोगन के साथ, जिसका नाम था फुकू की क्यों ही, जिसका मतलब था रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। उन्होंने सब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनको अब इनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है और उनकी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। वरना उनको भी वैसे प्रोस्पेक्ट देखने पड़ेंगे जैसे इंडिया ने देखे, वरना फिर से कॉलोनाइज होना पड़ेगा, ठीक है, वो भी ब्रिटिशर्स के थ्रू। उन्होंने एक सेंस ऑफ नेशनहुड अपने अंडर बनाई, लोगों के अंडर, ठीक है, और सिटीजन्स को भी समझाया, ठीक है। सेम टाइम में नई गवर्नमेंट जो है वो बनने के लिए मतलब तैयारी होने लगी, जिसका नाम था एम्परर सिस्टम। ऑफिशियल्स जो थे उनको इस यूरोपियन मोनार्कीज को समझने के लिए भेजा गया, स्टडी करने के लिए भेजा गया, और उनको बोला गया कि अपना मॉडल इसके ऊपर बना करके लाओ, ठीक है। जो एम्परर थे उनको, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सन गॉडेस का डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जा रहा था, ठीक है, बट उसको वेस्टर्नाइजेशन का लीडर भी साथ साथ में दिखाया जा रहा था। उसका जो भी वो राजा था, जो भी एम्परर था, उसका बर्थडे नेशनल हॉलीडे बना दिया जाता था, ठीक है। वो वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना करते थे, और जो एडिक्ट मतलब जो भी एडिक्ट थे उस इशू से उनको मॉडर्न इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिए गए, ठीक है। इम्पीरियल रेस्क्रिप्ट हुए एजुकेशन पे 1890s के टाइम पे, ठीक है, जब लोगों को कैसे पढ़ना है उसके बारे में लोगों को बताया गया, ठीक है। एडवांस पब्लिक गुड एंड प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट, अब लोगों के गुड्स और जो भी कॉमन इंटरेस्ट है वो प्रमोट किए जाने लग गए, ठीक है। अब नया स्कूलिंग सिस्टम शुरू हुआ 1870s में, जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी 1910 के साथ साथ, ठीक है। ट्यूशन फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, और जो करिकुलम था वो वेस्टर्न मॉडल्स पे ज़्यादा बेस्ड था, ठीक है। जो मॉडर्न आइडियाज़ थे वो अब उसमें लोगों को, बच्चों को लॉयलिटी सिखाई जा रही थी और जापानीज हिस्ट्री उनको पढ़ाई जा रही थी, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका मेन मोटिव ये था कि बच्चों के दिल में एक मॉरल कल्चर के बारे में समझाया जाए, उनके दिमाग में ये बिठाया जाए कि उनको लॉयल होना है नेशन की टूवर्ड, और वो ताकि गुड सिटीजन बन सके, ठीक है। इसी नेशन को इंटीग्रेट करने के लिए मेजी गवर्नमेंट इम्पोज कर दी गई, जहाँ पे नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो आए गए ओल्ड विलेजेस में, और बाउंड्रीज में भी जो है इस चीज़ का डोमेन देखने को मिला, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उन्होंने उनको मतलब अगर स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ को ऐसी मतलब मेंटेन करके रखना है, सो ऑफकोर्स उनको रेवेन्यू भी चाहिए, और अब उनको मिलिट्री सेंटर को भी तो रिक्रूट करना है, ठीक है। जो भी यंग मैन थे 20 से ओवर, उनको मिलिट्री सर्विस, उनको एक पीरियड तक मिलिट्री सर्विस करनी थी, ठीक है। जो मॉडर्न मिलिट्री फोर्स थी उसको डेवलप किया गया, एक लीगल सिस्टम सेटअप किया गया ताकि पॉलिटिकल ग्रुप्स की फॉर्मेशन में एक रेगुलेशन रखा जाए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब ताकि जो मीटिंग्स होल्ड की जा रही है, जो भी सेंसरशिप इम्पोज किया जा रहा है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये सारे मेजर्स थे ये गवर्नमेंट ने लिए, और अपोजिशन भी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा, ठीक है। जो मिलिट्री और जो ब्यूरोक्रेसी थी उनको मतलब वो डायरेक्ट कमांड के अंदर थी एक एम्परर के अंदर, जिसका मतलब था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दो ग्रुप्स में इनैक्ट किया जाएगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की कंट्रोल के बाहर रहेंगी, ठीक है। इन ऑल दिस मीज अ गवर्नमेंट फेस्ड अपोजिशन, ठीक है। ये जो टेंशन थी बिटवीन डिफरेंट आइडियाज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बाय द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न आर्मी, अब लोगों की वो ना अब मतलब लोगों को एक टेंशन आ गई थी, मतलब ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मॉडर्न आर्मी है, ये जो चीज़ आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सही है कि नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से चाइना और रशिया में जो वॉर हुई, ठीक है, उसमें अविथ जापान वॉज द विक्टर, मतलब जापान उसमें जीत गए थे, ठीक है। जो पॉपुलर डिमांड थी ग्रेटर डोमिक
डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बढ़ाओ, वो अपोजिशन में आ गई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की बिकॉज जो पॉलिसीज है ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी। सो जापान ने इकोनॉमिकली और एक कॉलोनियल एम्पायर को एक्वायर कर लिया था, ठीक है। सो जिसकी वजह से अब डेमोक्रेसी की जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी एट होम, और लोगों को अब समझ आ गया था कि वो जो है वो कॉलोनाइज हो सकते हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था मेजी रिफॉर्म का, कि जो इकोनॉमी है ना उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करी, ठीक है। फंड्स जो है वो एग्रीकल्चर टैक्स, जापान की रेलवे लाइन टोक्यो और योकोहामा के बीच में वो बिल्ड कर दी गई इस 1872 में। टेक्सटाइल मशीनरी जो है वो इम्पोर्ट की गई यूरोप से। फॉरेन टेक्निक्स टेक्नीशियंस लाए गए, ठीक है, ताकि वो ट्रेन वर्कर्स बन सके, एज वेल एज यूनिवर्सिटी स्कूल्स और जो जापानी स्टूडेंट्स थे उनको भी अब्रॉड भेज दिया गया पढ़ने के लिए। 1872 में मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च किए गए, कंपनीज जैसे कि मित्सुबिशी और सुमितोमो, इसके वजह से लोग, इससे वजह से जो भी सब्सिडीज़ है और जो भी टैक्स बेनिफिट्स आने थे शिप बिल्डर्स को, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो गए, ठीक है, ताकि जो जापानीज ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इजी जापानी शिप्स के थ्रू हो जाए, ठीक है। सो पॉपुलेशन जो है वो 1872 तक 35 मिलियन पहुँच गई थी, और 1920 के आते आते ये 55 मिलियन हो गई थी, ठीक है। इस पॉपुलेशन प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों को माइग्रेशन के लिए इनक्रेज करा कि तुम क्यों ना होकाइडो जैसे जो नॉर्दर्न आइलैंड है वहाँ पे जाके बसो जहाँ पे लोग नहीं हैं, ठीक है। सो वहाँ का जो मतलब एरिया था ना वो इंडिजिनियस पीपल का था, जिनको आइनू बोला जाते थे, आइनू वहाँ रहा करते थे, ठीक है। फिर बाद में हवाई और ब्राज़ील जैसी जगहों पर भी वो रहने लग गए, ठीक है। जैसे कॉलोनियल एम्पायर बढ़ रहा था जापान का, वैसे ही अब जो इंडस्ट्रीज़ है उसके डेवलपमेंट में भी शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। सो 1925 में 21% जो पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में रहा करती थी, और बाय 1935 ये जो फिगर है ये 32% तक पहुंच गई थी, विच वॉज 22.5 मिलियन। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जितने लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, ठीक है, वो मतलब 7 लाख हुआ करता था 1870s में, और 1913 आते आते वो 4 मिलियन तक पहुँच गया था, ठीक है। सो ज़्यादातर जो वर्कर्स है उनको उनकी यूनिट्स को थी जहाँ पे 5 पीपल से कम थे, ठीक है, जो कि ना ही मशीनरी यूज़ करते थे ना ही इलेक्ट्रिक पावर यूज़ किया करते थे, ठीक है। सो हाफ ऑफ दोज एम्प्लॉयज वो जो मॉडर्न फैक्ट्री पे थे वो ना वुमेंस थी, और ये जो वुमेंस थी इन्होंने खुद को इस तरह से ऑर्गेनाइज मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था खुद को मॉडर्न स्ट्राइक 1886 में। सो 1900 के बाद जो मेन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गए नंबर पे, ठीक है, और जिसकी वजह से वुमेन का नंबर काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली कम पड़ गया था। फैक्ट्रीज़ का जो नंबर है वो और ज़्यादा मतलब बढ़ता ही जा रहा था। फैक्ट्रीज़ पे मतलब फैक्ट्रीज़ में पहले ना 100 वर्कर से ज़्यादा अब होने लग गए थे, जैसे 1000 से ऊपर 1909 में, मतलब शुरू शुरू में 100 से ज़्यादा हो जाए वही बहुत कम हुआ करती थी, मतलब बात ही मतलब 100 से ज़्यादा लोग हुआ होते ही नहीं थे। बाद में 1909 आते आते ये लोग 1000 तक चले गए, उसके बाद 2000, फिर 4000 हर 10 सालों में, और 1940 आते आते ये जो वर्कशॉप्स थी ये 5,50,000 से भी ज़्यादा ऊपर चली गई थी, ठीक है। सो ये फैमिली सेंटर्ड आइडियोलॉजी थी जैसे नेशनलिज्म की थी, ठीक है। सो एक स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्कल सिस्टम जो है वो एम्परर के अंडर ही सेटअप कर दिया गया, जो कि फैमिली पैट्रियार्क जैसे बिहेव किया करते थे, ठीक है। ये जो इतना रैपिड और अनरेगुलर ग्रोथ थी इंडस्ट्री की, सो ये जो डिमांड थी नेचुरल रिसोर्सेज की वो मतलब ऑफकोर्स पूरी नहीं की जाती, जैसे टिम्बर, एनवायरमेंटल, जो इतना एनवायरमेंट अब लोग मांग रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन ही बढ़ रही थी, ठीक है, लोग चीज़ें उस हिसाब से बन तो रही नहीं थी। फिर जो टिम्बर है वो इतना ज़्यादा लोग डिमांड करने लग गए, तो इतना सारा टिम्बर कटने लग गया जिसके वजह से जो है वो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस होने लग गए, ठीक है। तनाका सोजो उनको इलेक्ट किया गया फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट एग्रीटेशन लॉन्च करा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अगेंस्ट 1897 में। 800 विलेजेस उनके साथ एक मास प्रोटेस्ट फोर्सिंग, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है वो एक्शन लेना ही पड़ गया था। अग्रेसिव नेशनलिज्म, देखो जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो मतलब फ्रेंचाइजी और एक डाइट को
एक मतलब उन्होंने एक डाइट बना दी थी और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइजी को ये रेस्ट्रिक्ट करते थे, ठीक है, लिमिटेड पावर के साथ। सो जो लीडर है उन्होंने मतलब एम्पायरल रिसोर्ट रिस्टोरेशन करा, जिसकी वजह से जो पावर है वो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो है वो एस्टेब्लिश हो जा रही थी। सो 1931 में जिनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था कैबिनेट्स के, वो इलेक्ट कर दिए गए थे वो। सो अब यूनिटी कैबिनेट्स की जो मतलब पावर है वो खो दी उन्होंने, ठीक है। सो जो एम्परर थे उन्होंने कमांड करा फोर्सेस को फ्रॉम 1890 की जो आर्मी है और जो नेवी है वो उनका अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल है। सो 1899 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो जनरल और जो एडमायरल्स है उन्हीं को सिर्फ मिनिस्टर बनने का जो है वो ऑर्डर दिया कि सिर्फ यही लोग जाने की, जो जनरल और एडमायरल है वही सिर्फ इसमें मिनिस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। सो अब जब मिलिट्री स्ट्रेंथन हो रही थी, जिसकी वजह से जो जापान का एक्सपेंशन है वो कॉलोनियल एम्पायर में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ठीक है। मतलब अब जापान बहुत सारी और कंट्रीज़ को भी अपना कॉलोनी बना रही थी, ठीक है। सो अब एक कनेक्ट था कि जो जापान है कहीं वो वेस्टर्न एम्पायर्स पे थोड़ी दया ना कर ले, ये चीज़ भी लोगों के दिल में था कि अगर उन्होंने दया कर ली फिर सामने से जो चीज़ आएगी वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन, एक जो सक्सेसिव जनरेशन थी जापानीज की, उनका मतलब जापान जो है वो और कंट्री से अगर हम रिलेशन चेक करें तो वो ठीक थे। सम पॉइंट में जो यूएसए और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उनका मतलब सिविलाइजेशन में हाईएस्ट पॉइंट था, जो कि जापान में भी था। सो फुकुजावा युकीची जो कि एक मीजी इंटेलेक्चुअल थे, वो ये चाह रहे थे कि जापान जो है वो एशिया में रहे, वो ये बोलना चाहते थे कि जापान मतलब एशिया कैटेगराइज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको छोड़ के वेस्ट का पार्ट बन जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्ट किस लिए जाना जाता है और ईस्ट किस लिए जाना जाता है, सो वो इसलिए चाह रहे थे कि वो लोग एशिया को मतलब एशिया में तो रहे बट ईस्टर्न का पार्ट छोड़ के जो है वो वेस्ट का पार्ट बन जाए, ठीक है। सो जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू करा कि वेस्टर्न आइडियाज़ को हम क्यों एक्सेप्ट करें जब हमारी अपनी भी तो नेशनल प्राइड है, कुछ हमारी भी तो कुछ इंडिजीनियस वैल्यूज़ है, ठीक है। एक ऐसे फिलोसोफर थे जिनका नाम था विया के सितरुई, उन्होंने ये बोला कि हर एक नेशन को अपने स्पेशल टैलेंट को डेवलप करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको मतलब किसी मतलब अपना जो किसी कंट्री का ट्रेडिशन है, किसी कंट्री का टैलेंट है उसको बाहर निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में जाके जो है वेस्टर्न लिबरलाइजेशन की तरफ में चले जाए, ठीक है। सो जापान जो है वो अब मिलिट्री पे नहीं डिपेंडेंट था, डेमोक्रेसी पे डिपेंडेंट था। युकी अमोरी जो कि काफ़ी पॉपुलर राइट मूवमेंट के लीडर रह चुके थे, ठीक है, उन्होंने डिमांड करा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उससे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी हो, ठीक है। सो उन्होंने लिबरल एजुकेशन के लिए बात करी, ठीक है, उन्होंने बोला कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा अच्छी किसी भी कुछ भी हो कैसा भी हो बट फ्रीडम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस होती है, ठीक है। सो उन्होंने वुमेंस के लिए वोटिंग वोटिंग राइट के लिए और गवर्नमेंट को प्रेशर करा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को वो फिर से बना के अनाउंस करें, ठीक है। अब देखते हैं डेली लाइफ कैसी थी जापान की। सो जापान की जो ट्रांसफॉर्मेशन है मॉडर्न सोसाइटी से वो ना एवरीडे लाइफ में चेंजेस देखने को मिल रहे थे, बिकॉज जो लोग नॉर्मल चीज़ें यूज़ किया कर रहे थे उन्हीं चीज़ों में चेंज हो रहे थे, नए होम बन रहे थे जिसकी वजह से मतलब अपना सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली वहाँ पे रहती थी, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, एक ब्रेड विनर और एक होम मेकर, ठीक है। 1920s में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा चीप हो गई और जो हाउसिंग है वो डाउन पेमेंट में भी अवेलेबल होने लगी थी 200 येन्स में, ठीक है। सो जो मंथली इंस्टॉलमेंट था 12 येन का वो 10 साल का लिए चलता था, ठीक है, मतलब 10 साल में तुम 12 येन हमें दे दो, ठीक है। एट द सेम टाइम अब एक बैंक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 40 येन पर मंथ हुआ करती थी, ठीक है। ओवरकमिंग मॉडर्निटी, देखो जो स्टेट है ना वो नेशनलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है, मतलब 1930s और 1940s के टाइम पे जापान ने नई नई वॉर्स एक्सटेंड करी ताकि वो चाइना के साइड भी अपना एम्पायर बढ़ा सके और एशिया के और पार्ट्स में भी, ठीक है। सो ये जो वॉर है ये बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई जब जापान ने यूएसए पे अटैक करा एट पर्ल हार्बर। सो ये जो पीरियड था इस टाइम पे जो ग्रेट कंट्रोलर्स थे सोसाइटी के उधर भी रिप्रेशन और इम्प्रिसमेंट ऑफ डिसिडेंट्स देखने को मिले, ठीक है। सो
काफ़ी वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिन्होंने वॉर पे सपोर्ट करा। जो इन्फ्लुएंशियल सिंपोसियम था ओवरकमिंग मॉडर्निटी का, वो 1943 में जब लोगों ने डिबेट करी कि जापान में जो डिलेमा है जो हम फेस कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। सो जो म्यूजिशियन थे, एक म्यूजिशियन थे जिनका नाम था मोरोई सुबोरो। सो उन्होंने ये क्वेश्चन बोला कि हम, हमारा जो म्यूज़िक है वो आर्ट का फॉर्म है, राइट। सो हमें ना अपनी आर्ट को रिस्टोर करना चाहिए, लोगों के अंदर जो स्पिरिट वो अपने आप जाग जाएगी, ठीक है। उन्होंने वो मतलब वेस्टर्न कल्चर को मतलब रिजेक्ट नहीं करते थे, बट वो चाहते थे कि जो हमारा कल्चर है वो मतलब ख़राब ना हो, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि जो प्लेइंग जापनीज है वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो जो फिलोसोफर है जैसे कि निशिकानी कीजी, उन्होंने मॉडर्न को थ्री स्ट्रीम्स में डिफाइन करा ऑफ वेस्टर्न थॉट, जो कि था रिनांसे एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ नेचुरल साइंसेस। तो उन्होंने आर्ग्यू करा कि जापान की जो मतलब मॉरल एनर्जी है ना, उससे हम कॉलोनाइजेशन को बहुत अच्छे से हटा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम नया वर्ल्ड बनाएं, ग्रेटर ईस्ट इंडिया बनाएं, ठीक है। सो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम वेस्ट की तरफ में जाए, हमारा जो अपना साइंस है, अपना रिलीजन है, उसको इंटीग्रेट करके रखना, उसको जोड़ के रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर डिफीट री एमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, देखो जापान ने जब अटेम्प्ट करा कि वो कॉलोनियल एम्पायर को काव कर सके, बट वो हार गए थे बिकॉज ऑफ अलाइड फोर्सेस, ठीक है। सो इसके साथ क्या हुआ कि जब वो हार गए तो बहुत ही मतलब बॉम्बिंग हो गई, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसकी वजह से वॉर काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी ना वो इतनी लंबी हो रही थी, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब्स फेंके गए, उस टाइम पे वॉर जो है वो ख़त्म होने मतलब वॉर जो है वो उसका मतलब वो छोटी हो गई, ऑफकोर्स क्योंकि अब जो है जल्दी हार जाना था, ठीक है। सो अब इतना जो इमेंस डिस्ट्रक्शन है और जो सफरिंग थी लोगों की वो बहुत ही अननेसेसरी थी, बिकॉज ये तो होना ही नहीं था, ठीक है। सो जो यूएस है उन्होंने ऑक्यूपेशन, यूएस ने ऑक्यूपेशन लेड करा जापान में, जहाँ पे उन्होंने डीमिलिटराइज करा और नई कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सो उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 9, द सो कॉल्ड नो वॉर क्लोज। सो ये अनाउंस करता है कि वॉर का इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज़ करना स्टेट पॉलिसी के लिए ये बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। सो जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे वो रीएस्टेब्लिश करे गए ट्रेड के लिए, ट्रेड यूनियंस के लिए, और उन्होंने अटेम्प्ट करा कि जाए बातसो जैसी जगह को डिसमेंटल करना चाहिए, और लार्ज मोनोपोली हाउसेज है और जो डोमिनेटिंग जापानीज इकोनॉमी है उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिवाइव हो गई, ठीक है। एंड द फर्स्ट पोस्ट वॉर इलेक्शन जो कि हुए 1946 में, जहाँ पे वुमेन ने भी पहली बार वोट करा, ठीक है। द रैपिड रीबिल्डिंग ऑफ द जापानीज इकोनॉमी आफ्टर इट्स शटरिंग डिफीट वॉज कॉल्ड फॉर पोस्ट वॉर मिरेकल। मतलब देखो जब इतनी बुरी तरीके से जो है वो हार चुके थे जापान वाले, बट फिर भी उन्होंने जापानीज इकोनॉमी को इतने रैपिड तरीके से रीबिल्ड किया, इसको पोस्ट वॉर मिरेकल बोला जा रहा था, ठीक है। सो इतनी लॉन्ग हिस्ट्री थी इस चीज़ की, ठीक है। बट जो जापानीज है उन्होंने अपना हिस्टोरिक ट्रेडिशन और उनकी जो पॉपुलर स्ट्रगल है उनको याद करा, और फिर से जो है सब कुछ उन्होंने एक ब्रॉड एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने फिर से शुरू करा। सो अब जो यूएस है वो सपोर्ट कर रहे थे एज वेल एज डिमांड कर रहे थे कि कोरिया को और वियतनामीज को मतलब जापानीज इकोनॉमी में और ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। सो 1964 में जो ओलंपिक्स हुए टोक्यो में, उसको एक सिंबॉलिक कमिंग ऑफ एज माना गया, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे नेटवर्क्स बहुत हाई स्पीड हो गए, और जब भी ऐसा कुछ होता है सॉफ्टकर्स वो जगह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। सो जो अब जापान को रिप्रेजेंट करना है तो वो सब कुछ टोक्यो में ही हो रहा था, हर चीज़ अब अच्छी बन रही थी और लो क्वालिटी में मिल रही थी, लो क्वान्टिटीज में, लो प्राइस में मिल रही थी, ठीक है। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जैसे 1960 में सिविल सोसाइटी मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, पर जिसकी वजह से ऑफकोर्स हेल्थ और एनवायरनमेंट में भी फ़र्क पड़ा, जब इंडस्ट्रीज बढ़ती है तो कैडमियम पॉइजनिंग नाम की एक पेनफुल डिजीज़ फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, एयर पोल्यूशन फैल गया 1970s के टाइम पे, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और नई लीगल रेगुलेशंस सेटअप करे ताकि इस कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। उन्होंने एनवायरमेंटल इशू के ऊपर, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बहुत सारी उन्होंने बात करी, और जो जापान है
उसको मतलब सबसे स्ट्रिक्टेस्ट इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स इन द वर्ल्ड उस टाइम पे बना दिया गया, ठीक है। और आज के टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्री है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में, ताकि वो पूरी वर्ल्ड में उसी पोजीशन को मेंटेन करके रख सके। अब हम पढ़ते हैं चाइना के बारे में। देखो, जो मॉडर्न हिस्ट्री है चाइना की, वो ना रिवॉल्व करती है कुछ क्वेश्चन के अंदर कि रिगेन की सोवरेनिटी कैसे रिगेन हुई, ठीक है। जो फॉरेन ऑक्यूपेशन है उसमें ह्यूमिलेशन कैसे ख़त्म हुआ, और लोगों के बीच में इक्वालिटी कैसे आई और डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ। तो जो चाइनीज़ डिबेट्स है वो ये पॉइंट वो मार्क करते हैं कि तीन ग्रुप्स में जो है चीज़ें डिवाइड करी गई, ठीक है। जैसे कि कंग ह्यूई और लियांग हुइचो, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जिन्होंने ट्राई करा कि जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ है उनको डिफरेंट वेज में लाया जाए, मतलब आइडियाज़ तो वो रहे बस उनको थोड़ा मॉडर्न वे में लाया जाए, ठीक है। सेकंड थे रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरीज जैसे कि सुन यात-सेन, ठीक है, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने रिपब्लिक के। सो उन्होंने जापान के डिफरेंट आइडियाज़ को इंस्पायर करा, ठीक है, इन द वेस्ट। और जो तीसरे थे वो थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि CCP, जो कि चाह रहे थे कि जो ओल्ड एज इनइक्वालिटीज़ है और इनको हटा दिया जाए और जो फॉरेनर्स हैं उनको भी ड्राइव आउट कर दिया जाए, ठीक है। सो मॉडर्न चाइना की बिगिनिंग में ये चीज़ें ट्रेस की गई कि जो फर्स्ट एनकाउंटर है वो वेस्ट में हुआ था 16th और 17th सेंचुरी में, ठीक है, जहाँ पे जीसुक मशीनरीज लोग जैसे लोगों ने जो है वेस्टर्न साइंसेस को और ज़्यादा शो करा, ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स उस टाइम पे जो है चाइना में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलने लग गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा चाइना में वो था कि 19th सेंचुरी आते आते लोग ना इकट्ठे होके जो ये चीज़ों को डिस्कस करने लगे, ठीक है, और जो मोमेंटम है वो बैठ गया था, ठीक है। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटेन ने मतलब यूज़ करा कि फोर्स को कि मतलब और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, तब मतलब ओपियम के लिए बेसिकली उस टाइम पे फर्स्ट ओपियम वॉर हुई, जिसकी वजह से जो रूलिंग किंग डायनेस्टी थी उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स और चेंज जो है वो उस टाइम पे आ गए थे, ठीक है। तो किंग रिफॉर्मर्स थे जैसे कि कांग ह्यूई और लिंग हुइचाओ, उन्होंने ये रिलीज़ करा, मतलब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और जो पॉलिसीज़ है उनको भी इनिशिएट करने की ज़रूरत है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखते हुए। नई आर्मी और नया एजुकेशन सिस्टम लाने की ज़रूरत है, लोकल असेंबली सेटअप करने की ज़रूरत है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसको भी एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। सो अब इसकी वजह से उन्होंने देखा कि अब चाइना को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत, मतलब चाइना को जो भी कॉलोनाइजेशन है उससे बचान के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जो कॉलोनाइज्ड कंट्री है ना उनका बहुत ही नेगेटिव एग्जांपल जो है वो लोगों के दिलों में बैठ गया था, ठीक है। जैसे पोलैंड का पार्टीशन हुआ 18th सेंचुरी में, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था ये एग्जाम्पल, ठीक है। सो उस टाइम पर लेट 1890s में जो टू पोलैंड अस, अब लोग ये यूज़ करने वाले लग गए थे कि जैसे पोलैंड में हुआ जैसे इंडिया में हुआ अब वो इधर भी होगा। सो 1903 में एक थिंकर थे जिनका नाम था लिंग ह्यूचो, वो ये बिलीव करते थे कि अगर हमें लोगों को अवेयर करना है इस चीज़ से तो हमें ऑफकोर्स वेस्ट से रेजिस्ट करना होगा। सो उन्होंने लिखा कि इंडिया जो कंट्री है वो ईस्ट इंडिया जो कि एक नॉन कंट्री थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने डिस्ट्रॉय करा, किसी दूसरी कंट्री ने नहीं डिस्ट्रॉय करा, ठीक है। सो वो बेसिकली चाइना को जो है वो मतलब वो क्रिटिसाइज करते थे इंडियंस को कि वो बहुत ज़्यादा क्रूल थे अपने ही लोगों के ऊपर। उनका ये मानना था कि इंडियंस लोगों को मतलब खुद ही को मतलब अपने ही लोगों को ज़्यादा क्रूल करते थे, वरना ब्रिटिश जो है वो ऐसे उनके ऊपर राज नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो चाइनीज़ देख रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन शोल्डर का यूज़ कर रहे थे चाइना में, जब चाइना में वो लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। सो जब ये सब कुछ हो रहा था सो उनको लगा कि जो ट्रेडिशनल वेज है ना थिंकिंग के उनको चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। सो उन्होंने डेवलपमेंट करा, ठीक है, और उनके जो डिसिप्लिन्स थे उनके जो भी कंडक्ट थे उन चीज़ों के बारे में वो कंसर्न हुए। सो उन्होंने बोला कि ठीक है अब चाइनीज़ की जो मतलब चाइनीज़ जो भी लाइफ है उनके टूवर्ड उनका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। सो अब ये जो है नया मतलब बैरियर बन गया था नई आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज अब नई नई पॉलिटिकल थ्योरीज आ रही थी, ठीक है।
सो लोगों को उस तरीके से ट्रेन करना कि जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उसके लिए स्टूडेंट्स को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेज दिया जा रहा था ताकि वो नए आइडियाज़ के साथ वापस आए. सो जो स्टूडेंट जापान में गए, जापान से गए 1890s के टाइम पे काफ़ी चाइनीज स्टूडेंट्स, जब वो वापस आए तो वो सिर्फ आइडियाज़ नहीं लेकर आए बट वो रिपब्लिकन्स भी बन करके आए. ठीक है. सो चाइनीज़ ने काफ़ी जापनीज ट्रेडिशंस को बोरो करा, काफ़ी यूरोपियन वर्ड्स जैसे कि जस्टिस, राइट्स और रेवोल्यूशन इनको यूज़ करना शुरू करा बिकॉज ये सेम आइडियोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है वो लोगों के अंदर जगा रहा था. ठीक है. सो 1905 में जब रूसो जापनीज वॉर हुई उस टाइम पे जो सेंचुरीज थी, ठीक है, पुरानी चाइनीज सेंचुरी, उन्होंने मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम शुरू करा ताकि हर एक जो कैंडिडेट है वो ट्राई कर सके, वो समझ सके कि जो अलाइट रूलिंग क्लास है उनको कैसे अबॉलिश किया जाए. ठीक है. एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक. जो मंचू एम्पायर थे उन्होंने एक रिपब्लिक एस्टेब्लिश करा 1911 में अंडर सुन यात्सेन. ठीक है. सो जो कि एक बहुत ही पुअर फैमिली से आए और उन्होंने मिशनरी स्कूल में स्टडी करी. सो उन्होंने डेमोक्रेसी और क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताया. ठीक है. सो उन्होंने बताया, उन्होंने मेडिसिन के बारे में भी स्टडी करी हुई थी. ठीक है. सो वो कंसर्न थे चाइना के फेट के बारे में. सो उनके जो प्रोग्राम थे उनको तीन प्रिंसिपल बोला जाता था. ठीक है. दीज वर नेशनलिज्म. ठीक है. और कुछ ऐसे थे फॉरेन इंपायरलिस्ट, मतलब डेमोक्रेसी और जो एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और सोशलिज्म रेगुलेटिंग, जो सोशलिज्म है वो कैपिटल को रेगुलेट करेगा और लैंड होल्डिंग को इक्वलाइज करेंगे. ये सारी जो है इनकी मतलब ये चाह रहे थे ये चीज़ें हो. जो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल थी उस टाइम पे. सो 4 मई 1990 पे एक एग्री डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बीजिंग में ताकि प्रोटेस्ट किया जा सके उन डिसीजंस में जो डिसीजन पोस्ट वॉर पीस कॉन्फ्रेंस में लिए जा रहे थे. ठीक है. जो प्रोटेस्ट था वो धीरे धीरे मोमेंट बन गया और जो होल मतलब पूरी जनरेशन उन्होंने अटैक कर दिया इस ट्रेडिशन पे. उन्होंने बोला कि जो पूरी जनरेशन है ना उसकी वजह से हमारे ट्रेडिशन जो है वो बर्बाद हो जाएंगे. सो हमें चाइना को जो है वो बचा के रखना है थ्रू मॉडर्न साइज डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म. ठीक है. सो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फॉरेनर्स को ड्राइव आउट करा और जो कि उस कंट्री के रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे थे उनका इनइक्वालिटी रिमूव करा और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बात करी. ठीक है. उन्होंने फॉर्म्स एडवोकेट करे जैसे कि सिंपल लैंग्वेज इन राइटिंग और मतलब सबऑर्डिनेशन फॉर वुमेन, इक्वल मैरिज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू एंड पॉवर्टी. ठीक है. ये सारी चीज़ें उन्होंने करी. ठीक है. फिर आते हैं गोमिंदाग जो कि एक नेशनल पीपल्स पार्टी थी एंड द CCP. वो एमर्ज हो जाती है ताकि एक मेजर फोर्स वो बन जाती है ताकि वो पूरी कंट्री को यूनाइट कर सके और स्टेबिलिटी ला सके. ठीक है. जो सन यात सेन थे उनके जो आइडियाज़ थे वो मतलब पॉलिटिकल जो गोमिंदाग थे उनकी पॉलिटिकल जो फिलोसफी है उनके बेस वो थे. ठीक है. सो जो फोर ग्रेट नीड्स थी जैसे कि क्लोथिंग, हाउसिंग, फूड और ट्रांसपोर्टेशन, सन की डेथ के बाद मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ सन शियांग काईशेक उन्होंने वो एमर्ज हुई एज द लीडर ऑफ गोमिंदाग एज ही लॉन्च बिकॉज उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स है उनको लॉन्च करा. ठीक है. वॉरलॉर्ड्स कंट्रोल करी, जो रीजनल लीडर्स थे उन्होंने अथॉरिटी जो है वो अस्पर करी. ठीक है. मतलब कम्युनिस्ट को रिड्यूस करने के लिए मतलब सेक्युलर और रीजन रैशनल चीज़ों को एडवोकेट करने के लिए उन्होंने नेशन को जो है मिलिटराइज करना सोचा कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. तो जो गोमिंदाग सोशल बेस था वो अर्बन एरिया में था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो और लिमिटेड थी. ठीक है. सो 1990 में जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उसमें अराउंड 5 लाख जो है वो लोग आ गए. ठीक है. जिसमें से जो स्मॉल परसेंटेज है वो एम्प्लॉयड थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में सच एज शिप बिल्डिंग. ठीक है. सो जो वर्किंग आवर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और जो वर्किंग कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बैड थी. ठीक है. सो जो इंडिविजुअलिज्म था वो इंक्रीज हुआ, लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू करा, वुमेंस के राइट के बारे में भी कंसर्न जागा. ठीक है. सो अब फैमिली कैसे बनानी है, डिस्कशन कैसे करना है, मतलब लव और रोमांस के बारे में भी डिस्कशन करना शुरू हो गया. ठीक है. सो जो सोशल और कल्चरल चेंज था उसकी वजह से स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में बहुत ही मतलब बड़ा स्प्रेड देखने को मिला. ठीक है. इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका नया ट्रेंड आया जिसकी वजह से जो रीडर्स थे वो नए आइडियाज़
लाने लगे, ठीक है। महात्मा गांधी और केमाल अतुतुर्क जैसे लीडर्स को भी, मतलब उस टाइम पे जो केमाल अतुतुर्क थे वो टर्की के एक मॉडर्निस्ट लीडर थे, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन था ये बहुत ही बड़े नंबर में इंक्रीज हुआ, ठीक है। 2000 मतलब जो कि 2000 थे 1926 में, वो 1933 आते आते 2 लाख कॉपीज उसकी बन गई, ठीक है। जो गोमिंदाग थे वो मतलब अटेम्प्ट तो कर रहे थे कि कंट्री को यूनाइट कर सके, बट उनका जो सोशल बेस था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, और जो उनका पॉलिटिकल विजन था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें मतलब कम होती जा रही थी, राइट। जो उन्होंने मतलब जो प्लान थे सन यत सेन, उनका जो प्रोग्राम था उसमें वो कैपिटल को रेगुलेट कर रहे थे और लैंड को इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बट वो ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज पार्टी इग्नोर कर रही थी, और जो पीजेंट्री थी वो सोशल इनक्वालिटीज़ को और ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रहा था उसके वजह से। जो अब उस टाइम पे जो मिलिट्री ऑर्डर थे उसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। यहाँ पे देखो कितना मतलब प्राइस कितना बढ़ रहा था कि 1937 में जिस प्राइस में आप ऑक्सन खरीद सकते थे, उस टाइम पे 1949 आते आते आप सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर ही खरीद सकते थे, ठीक है। देखो कैसे पहले वो रेट 1939 में एक पिक तक पहुंचा, फिर सैक ऑफ फ्लावर, हेन, एग्स, पीस ऑफ कॉलर एंड में शीट ऑफ पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज तो मैं देखने को मिला चेंजेस, ठीक है। द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, देखो जब जापानीज ने चाइना में इन्वेड करा 1937 में, जो गोमिंदाग थे उन्होंने उनको मतलब उन्होंने रिट्रीट करा, सो जो बहुत ही लॉन्ग और जो मतलब एग्जॉस्टिंग वी वॉर थी, उसकी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। जो प्राइजेज है वो एक मंथ के अंदर अंदर 30% तक बढ़ गए, बिटवीन 1945 टू लेके 1949, ठीक है। मतलब हर एक मंथ में 30% से चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा था, तो 1949 आते आते ये चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो गई थी, ठीक है। जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी पीपल थी ना उनकी लाइफ से मतलब बर्बाद होने लग गई थी। जो रूरल चाइना थे उनको 2 क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था, पहला कि इकोलॉजिकल, दूसरा और जो सोशल सोइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही थी, डिफ्रस्ट्रेशन हो रहा था, फ्लड्स आ रहे थे। सेकेंड जो सोशियो इकोनॉमिक है ना उसकी वजह से बहुत ही जो लैंड टेन्योर सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था, ठीक है। जो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी और कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था। CCP फाउंड हो गई थी 1921 में रशियन रेवोल्यूशन के जस्ट बाद। तो जब रशियन सक्सेस हुई उसके बाद लोगों के मतलब पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ जो इन्फ्लुएंस हो रही थी, लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे जो लीडर्स थे वो इन्हीं चीज़ों को एस्टेब्लिश करते हुए डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जा रहे थे, ठीक है। कॉमिंटर्न, और जो थर्ड इंटरनेशनल था मार्च में 1918 में, उसमें लोगों को ये चीज़ें समझाई गई कि कैसे वो एक्सप्लोटेशन को एंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो इनिशियल अपील था ये था कि जो नेशनल बाउंड्रीज है उनको इमेंस किया जा सके, ठीक है। जल्दी ही ये एक टूल बन गया सोवियत इंटरेस्ट का, और ये डिसॉल्व कर दिया गया 1943 में, ठीक है। माओ ज़ेडुंग जो कि जिन्होंने जो उस टाइम पे CCP के लीडर बन गए थे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट पाथ चूज़ करा, ये पाथ उन्होंने चूज़ नहीं करा। वो रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम लाना चाह रहे थे पीस एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। ये जो इसका जो सक्सेस था उसमें CCP काफ़ी पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन गई, और अल्टीमेटली जो गोमिंदाग है वो जीत गए, ठीक है। गोमिंदाग के अगेंस्ट वो लोग जीत गए थे। माओ ज़ेडुंग के जो रेडिकल अप्रोच थी वो जियांगस्मी में देखने को मिल रहा था, जो कि माउंटेन्स में थी, ठीक है। जो माउंटेन्स को उन्होंने सिक्योर कर दिया था गोमिंदाग के अटैक से, ठीक है। जो एक स्ट्रॉन्ग पीजेंट्स काउंसिल थी वो ऑर्गेनाइज कर दी गई थी, जो मतलब कॉन्फिस्केशन है, जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो भी हो रहा था, ठीक है। माओ और लीडर्स की तरह नहीं थे, उन्होंने स्ट्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के ऊपर डाला, ठीक है, और आर्मी के ऊपर डाला। वो इस बात से अवेयर थे कि मतलब उनको इतना पता था कि वुमेंस को क्या क्या प्रॉब्लम है, और जो रूरल एरिया है वहाँ पे वुमेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, और उन्होंने वो चीज़ भी की, ठीक है। उन्होंने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स के परचेज और सेल को जो है उन्होंने बंद कर दिया, और डिवोर्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। माओ ज़ेडुंग ने वुमेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा था, ठीक है। गोमिंदाग ब्लॉकेज था वो अब हो गया था, बिकॉज माओ ज़ेडुंग ने सब कुछ बंद कर दिया था। इसकी वजह से
अब लॉन्ग मार्च होने लगी, ठीक है। सो 16,000 ग्रूलिंग अब इतनी मतलब दूर दूर तक जो है वो ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। बाद में उनका एक जो मतलब उनका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया था, ठीक है। सो अब वॉर के जो इतने डिफिकल्ट टाइम चल रहे थे उस टाइम पे, जो कम्युनिस्ट थे और जो गुमिनंग वर्कर थे वो साथ में आ गए, ठीक है। और बट जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने खुद को पावर बना दिया और जो गुमिनंग है उनको हरा दिया, ठीक है। अब नई डेमोक्रेसी कैसे एस्टेब्लिश हुई चाइना में? देखो, जो पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो 1949 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। जो कि जिनके जो प्रिंसिपल थे वो थे न्यू डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल, ठीक है। सो जो भी अलाइंस थे वो सोशल क्लासेस के थे, ठीक है। मतलब डिक्टेटरशिप वहाँ पे नहीं चल रहा था उस टाइम पे। अब जो लोग हैं वो सब कुछ मतलब डिसाइड करेंगे, ठीक है। सोवियत यूनियन एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। सो अब जो भी क्रिटिकल एरियाज थे इकोनॉमी के वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आ गए, और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है और जो प्राइवेट ओनरशिप है वो भी ग्रेजुअली ख़त्म ही हो गई थी, ठीक है। सो जो प्रोग्राम था वो 1953 तक उसमें लास्ट उन्होंने लास्ट किया, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर करा कि प्रोग्राम को लॉन्च करने की ज़रूरत है ताकि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, सो लोग एनकरेज हुए, उन्होंने स्टील फर्नेसेस सेटअप करने शुरू कर दिया अपने बैकयार्ड में। और जो रूरल पीपल है मतलब उसमें लोगों ने कम्यून्स करना शुरू कर दिया, मतलब वो जहाँ पे लैंड कलेक्टिवली ओन होती थी वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। सो 1958 तक अराउंड 26,000 कम्यून्स जो है वो फॉर्म पॉपुलेशन का 98% जो है वो कवर कर रहे थे, ठीक है। सो जो माओज़ेदंग थे वो अब एबल थे कि वो अपने गोल्स को अटेन कर सके जो उनकी पार्टी ने सेटअप करे थे, ठीक है। सो उनका कंसर्न था कि वो सोशलिस्ट मैन बना सके, ठीक है, जो जिनके पांच प्यार हो, ठीक है। मतलब माओज़ेदंग का जो मेन मोटिव है वो था कि एक ऐसा आदमी वो अपनी कंट्री में बनाए जिसके पांच मतलब पांच ऐसी चीज़ हो जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उनकी फादरलैंड, पीपल, लेबर, साइंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी ताकि फार्मर्स, वुमेन्स और स्टेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये फीलिंग ला सके, ठीक है। सो जो चाइना मतलब चाइना की जो डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन थी उसके 76 मिलियन मेंबर बन गए, और ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन के 3.39 मिलियन मेंबर्स उस टाइम पे बन गए थे, ठीक है। लियू शाओची और देंग ज़ियापो ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने इस कम्युन सिस्टम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत करी, बट जो कि ऑफकोर्स काम नहीं हुआ। सो जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा था ब्रेक फेंसिस में वो अनयूजेबल था इंडस्ट्रियली, ठीक है। अब कन्फ्लिक्टिंग विजन्स, देखो जो माओइस्ट थे यानी कि जो लोग माओज़ेदंग को फॉलो किया करते थे वो ना एक सोशलिस्ट मैन जो है वो बनाना चाह रहे थे, राइट। सो जो लोग जिनका ऑब्जेक्टिव ये था कि मतलब इस चीज़ से हटके लोगों के अंदर जो है वो एक्सपर्टाइज लोगों के अंदर होना चाहिए। सो अब जो माओज़ेदंग थे उन्होंने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू करा 1965 में, ताकि उनके जो भी क्रिटिक्स हैं उनको वो काउंटर कर सके। जो रेड गार्ड्स थे यानी कि मेनली स्टूडेंट्स और आर्मी, उनको यूज़ किया गया ताकि जो ओल्ड कल्चर और ओल्ड कस्टम और ओल्ड हैबिट्स हैं उनके अगेंस्ट कैंपेन्स शुरू कर दिया जाए, ठीक है। जो कल्चरल रेवोल्यूशन है वो शुरू हो गया और टर्मोइल उस टाइप पर आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो पार्टी है और जो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, और इकोनॉमी और एजुकेशनल सिस्टम में काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम उस टाइम पे मतलब डिस्टर्बेंस आ गई थी ऑफकोर्स, ठीक है। सो लेट 1960s पे अब टाइड जो है वो बदलने लग गया। 1975 आते आते पार्टीज ने फिर से मतलब ग्रेटर सोशल डिसिप्लिन सेटअप करे, और उन्होंने बोला कि हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को फिर से बिल्ड करेंगे चाइना में, ताकि हम एक मतलब ताकि हम पावरफुल हो सके इस सेंचुरी के एंड से पहले पहले, ठीक है। सो जो रिफॉर्म था 1978 का, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखो जो कल्चरल रेवोल्यूशन था ना वो मतलब पॉलिटिकल मैनोवरिंग की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो हो रहा था। जैसे जो डिंग ज़ियाओपिंग थे वो ना मतलब पार्टी को कंट्रोल कर रहे थे काफ़ी स्ट्रॉन्गली जब वो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। सो 1978 में जो पार्टी है उन्होंने खुद को डिक्लेयर करा कि उनके जो है चार मॉडर्नाइजेशन के गोल होंगे, जैसे कि जिसमें वो करेंगे साइंस को डेवलप, इंडस्ट्री को डेवलप, एग्रीकल्चर को डेवलप और डिफेंस को डेवलप, ठीक है। सो ये डिबेट जो है मतलब इसको क्वेश्चन नहीं किया गया बिकॉज ये मतलब ठीक ही लग रहा था लोगों को, ठीक है। सो ये जो न्यू और जो लिबरेटिंग क्लाइमेट था
उसकी वजह से। तो मे फोर्थ का टाइम था ना 60 ईयर अर्लियर, उस टाइम पे ये जो है मतलब एक्सपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था न्यू आइडियाज़ का। सो 5 दिसंबर 1978 में वॉल पोस्टर्स वगैरह बनने शुरू हो गए जिसमें लिखा था फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, ठीक है। और अब लोगों ने CCP यानी कि माओ ज़ेडुंग और जो भी चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला क्योंकि CCP जो है बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर रही है, जो बेसिक प्रॉब्लम जो उन्होंने बोला था वो सॉल्व करेंगे, जैसे कि पॉवर्टी, जो भी सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन है उसको बंद करेंगे, ठीक है। और जो मतलब उन्होंने ये भी बोला कि अब जो अब्यूज़ हो रही है विद इन द पार्टी ये भी चीज़ें सो इनको भी हटाओ, सो अभी नहीं हो रहा सर, तो लोगों ने CCP के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अब जो सप्रेस्ड है उनकी डिमांड आने लगी, ठीक है। सो 1989 में जो 70th एनिवर्सरी थी मे में, ठीक है, मे फोर्थ मूवमेंट की, सो उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको बुलाया गया, उनको पूछा गया कि ये सब कुछ क्या है और उनके बारे में बातें हुई, और जिसकी वजह से ऑसिफाइड डोगमास का जो है वो अंत आ गया। जो स्टूडेंट्स थे जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ताइनामाम स्क्वायर को बीजिंग में, उनको बहुत ही ब्रीचुअली मतलब रिप्रेस किया, मारा भी गया, ठीक है, मारपीट हुई उस टाइम पे। सो जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड था वो देखा जा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी डिबेट्स हो रहे थे और चाइना में डेवलपमेंट भी हो रही थी, ठीक है। जो क्रिटिक्स थे वो आर्ग्यू कर रहे थे कि जो इनइक्वालिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, और रीजन में भी और वेन और वुमेन के बीच में भी। तो जिसकी वजह से फाइनली जब इतनी सारी चीज़ें आ रही थी, सो जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे वो अब लोग उसके खिलाफ जाना, उन्होंने मतलब बोल दिया कि ये क्या कर रहे थे तुम लोग। सो अब लोग गए सिंपली वेस्ट को, मतलब अब लोगों ने बोला कि वेस्ट को नहीं हम कॉपी करेंगे, अब हम अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ ताइवान, शियांग काई शेक जो जिनको CCP ने मतलब हरा दिया था, ठीक है, और 1949 में ताइवान का अराउंड $ का अगर हम देखें तो 33 मिलियन तक का गोल्ड रिजर्व जो है वो चुरा कर ले गए थे, ठीक है। जो वहाँ का प्राइसलेस आर्ट ट्रेजर था जो भी उनकी एस्टेब्लिश रिपब्लिक ऑफ चाइना थी वो वहाँ पर ले गए, ठीक है। सो जो ताइवान है वो जापानीज कॉलोनी रही, ठीक है, सिंस चाइना ने भी काफ़ी यहाँ पे सीड किया, बट 1894 से लेकर 95 तक जो वॉर है वो जापान के साथ चली थी, ठीक है। सो कायरो का जो डिक्लेरेशन है 1943 का और जो पोस्टडैम प्रोक्लेमेशन है 1949 का, उसमें चाइना की जो सोवेनिटी है उसको रिस्टोर कर दिया गया था, ठीक है। सो जो मासिव डेमोन्स्ट्रेशन था February 1949 का, उसकी वजह से जीमी डी जो है उनको ब्रिचुअली मार दिया गया, और जो पूरी जनरेशन है अब वो लीडिंग फिगर, मतलब वो उनकी लीडिंग फिगर थी बट उनको हरा दिया गया, ठीक है। सो जो GMD थी शायद काइशेक के अंदर, अब उन्होंने नई रिप्रेसिव गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करा ताकि वो फ्री स्पीचेस दे सके, और जो पॉलिटिकल अपोजिशन है जिसमें लोकल पॉपुलेशन एक्सक्लूडेड थी, और मतलब पावर की जो पोजीशन है उससे लोकल पॉपुलेशन को बोला कि नहीं जो ये लोग इस लोकल लोगों को पावर नहीं दी जा रही थी उस टाइम पे, ठीक है। सो हाउएवर लैंड रिफॉर्म जो थे वो कैरी आउट हो गए थे, बट जो पोजीशन थी पावर की वो उनको नहीं दी जा रही थी स्टिल। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी और जो मॉडर्नाइज इकॉनमी है वो भी बढ़ रही थी 1973 के आते आते। सो 1973 में ताइवान जो है वो जापान के बाद दुनिया का मतलब सेकंड GNP जो है वो ताइवान में ही हुआ करती थी, ठीक है, एशिया में, सॉरी। सो जो इकोनॉमी थी वो लार्जली डिपेंडेंट थी ट्रेड पे, ठीक है, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। सो जो बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा था और ये बढ़ता ही चला जा रहा था, ठीक है। सो अब जब ये जब ये चीज़ आने लग गई तो ऑफकोर्स अब ये जो गैप है ये कम भी होने लग गया, ठीक है। सो जो और बड़ा ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला ताइवान में वो था डेमोक्रेसी का, ठीक है। स्लोली जब शियांग की डेथ हुई उस टाइम पे मोमेंटम आ गया था और मार्शल लॉ जो है वो उस टाइम पे लिफ्ट कर दिया गया 1987 में, ताकि जो भी अपोजिशन पार्टीज़ है उनको ना लीगली परमिट किया जा सके। तो जब फर्स्ट फ्ली था इलेक्शन का वो शुरू हुआ था, जहाँ पे सारे जो लोकल ताइनीज़ है उन्होंने सारी मतलब पावर इकट्ठे लाई
और उन्होंने देखा कि हाँ किसको वोट करना है, कैसे कंट्री की ट्रेड मिशन क्या क्या होने वाली है. सो ताइवान में जब फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन था एम्बेसीज के साथ, वो इतना पॉसिबल नहीं था. ठीक है, मतलब ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट कंसीडर नहीं किया जा रहा था, ये पॉसिबल नहीं हो रहा था उस टाइम पे. ठीक है, सो जो क्वेश्चन था कि रीयूनिफिकेशन होना चाहिए और जो मेनलैंड है उनको, मतलब वो अभी भी क्रॉस ट्रेड रिलेशन के अंदर ही आ रही है. सो जो ताइवानीज ट्रेड है और जो इन्वेस्टमेंट है मेनलैंड में वो भी तो मैसिव है. ट्रेवल भी जो है वो उस टाइम पे इजी हो गया था. ठीक है, सो चाइना अब बहुत ही ज़्यादा मतलब ये टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि जब सेमी ऑटोनोमस ताइवान इतना बड़ा हो चुका है और अब जो है वो इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा, और उन्होंने ये किया भी. ठीक है, और ताइवान एंड में जाके फ्री हो गया था. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोरिया की स्टोरी. सो कोरिया में मॉडर्नाइजेशन कैसे शुरू हुआ. कोरिया के जो जियोसिन डायनेस्टी थी उन्होंने ना काफ़ी इंटरनल पॉलिटिकल और सोशल स्ट्राइफ, मतलब जिसकी वजह से लोगों, मतलब जो चाइना, जापान और वेस्ट है ना, वहाँ के प्रेशर उनको काफ़ी ज़्यादा फील करना पड़ हुआ था उनको. ठीक है, सो डिकेड्स जाते जाते जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था जापान का वो अब कोरिया में आ चुका था, बिकॉज कोरिया उसकी कॉलोनी थी 1910s में. ठीक है, सो 500 ईयर्स के बाद जो जियोसिन डायनेस्टी है वो एंड में आ गई. ठीक है, अब जो कोरियन पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा आ गया था बिकॉज जो जापान का जो सप्रेशन था उसकी वजह से उनका जो कल्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसको मतलब एसिमिलेट कर दिया गया था. ठीक है, जो जापानीज कॉलोनियल रूल था वो 35 यानी कि 35 ईयर्स के बाद ख़त्म हो गया था अगस्त 1945 में, जब जापान की डिफीट हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में. ठीक है, सो हाउएवर अब जो एफर्ट था कि इंडिपेंडेंस मिल जाएगी बोथ इनसाइड और आउटसाइड कोरिया, सो अब कोरिया की जो इंडिपेंडेंस है वो जापान की डिफीट के बाद ऑफकोर्स एंश्योर हो गई थी. सो लिबरेशन कोरियन पेनिनसुला में वो अभी टेम्पररी ही थी. ठीक है, बिकॉज उनको 28 पैरेलल सोवियत मैनेजिंग में जो है वो डिवाइड कर दिया गया था नॉर्थ में. ठीक है, सो जो यूएन था वो उस टाइम पे साउथ को मैनेज कर रहा था. ठीक है, और जो नेशन है वो डिसबैंड था और जो जापानीज फोर्सेज है वो रीजन पे मतलब डिवाइड कर दी गई थी. हाउएवर जो डिवीज़न था वो परमानेंट हो गया और जो सेपरेट गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश कर दी गई थी नॉर्थ और साउथ में इन 1948. मतलब उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया अलग हो गया था और साउथ कोरिया अलग हो गया था. ठीक है, द पोस्ट वॉर नेशन. सो जून 1950 में जो कोरियन वॉर है वो हुआ. ठीक है, जो साउथ कोरिया है उनको यूएस का सपोर्ट मिला और नॉर्थ कोरिया को कम्युनिस्ट चाइना का उस टाइम पे सपोर्ट मिला. उस टाइम पे प्रॉक्सी मतलब एक विंटेज प्रॉक्सी वॉर हो रही थी बिकॉज काफ़ी ठंड उस टाइम पे था, कोल्ड वॉर एरा उसको बोला जाता था. जुलाई 1953 में 3 साल के बाद जो वॉर है वो मतलब ख़त्म हुई तो एक आर्मिटाइज एग्रीमेंट साइन कर दिया गया. सो कोरिया उस टाइम पे भी डिवाइडेड ही था, कोरिया डिवाइडेड ही रह गया. ठीक है, बट अब जो कोरियन वॉर हुई सो ऑफकोर्स उसकी वजह से काफ़ी मैसिव लॉस हुए लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का. ठीक है, जान और माल दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंट उस टाइम पे जो है वो लॉस हुआ. ठीक है, सो अब जो फ्री मार्केट इकोनॉमी थी ना वहाँ पे डेवलपमेंट और ऑफकोर्स डेमोक्रेट की अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए इस चीज़ की जो अब डिमांड बढ़ने लगी. प्राइस बहुत ही सडनली बढ़ गए बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ गया था वॉर की वजह से. ठीक है, फर्दर मोस्ट जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ थी उनको कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि जो कॉलोनियल पीरियड है वो डेवलप्ड एंटायरली ना डिस्ट्रॉय हो जाए, वो कहीं ना कहीं उनकी एसेंस रह जाए. ठीक है, सो साउथ कोरिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था सिंगमान री वो इलेक्ट किया गया उनको 1948 में, और वहाँ पे जो है उस टाइम पे फर्स्ट टाइम जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुई कोरियन वॉर के बाद. ठीक है, सो जब कोरियन वॉर हुई उस टाइम पे कोरिया को डिवाइड कर दिया गया था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में. ठीक है, सो जब ये चीज़ हुई तो ऑफकोर्स उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. अब जो इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है उनको दोबारा बनाया गया. अप्रैल 1960 में जो सिटीजन थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए बिकॉज जो इलेक्शन हो रहे थे वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो रहे थे, काफ़ी उधर भी लोग जो उनको करप्शन दिखने को मिल रहा था. ठीक है, सो जब अप्रैल रेवोल्यूशन हुआ तब री को फोर्स किया गया कि वो रिज़ाइन करे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया. ठीक है, सो अब जो लोगों के बीच में जो स्पिरिट जाग गई थी कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए उसके वजह से अब री का एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों ने ख़त्म कर दिया और जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस आए आगे भी उनमें भी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स जो है वो रखी थी. ठीक है, सो जब री ने रिज़ाइन करा सो ऑफकोर्स उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिटीजन्स की डिमांड में उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी. जो इंटरनल डिविजन्स है और जो कन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर बढ़ गए थे.
ठीक है, जो रिफॉर्मिस्ट थे पॉलिटिकल पावर्स के वो एमर्ज हुए, और जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है वो उसकी वजह से भी मूवमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिफिकेशन हो गया था। ठीक है, मई 1961 में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है गवर्नमेंट की, उन्होंने मिलिट्री कूप को ओवरथ्रो करा, और जो उस टाइम पे जनरल थे पार्क शी ही, वो जो है एक और मिलिट्री अथॉरिटी उन्होंने बना दी थी। ठीक है, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर। ठीक है, सो अक्टूबर 1963 में इलेक्शन हुए, और जो मिलिट्री कूप लीडर थे यानी कि पार्क शंग ही, उनको इलेक्ट कर दिया गया एज प्रेजिडेंट। सो जब पार्क का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, तब उन्होंने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करा, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो वो लोग डिमांड कर रहे थे उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, सो जो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स थे वो गवर्नमेंट ने फॉलो किए, ताकि बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट फर्म्स है उनको बनाया जा सके। ठीक है, अब एम्फेसिस लोगों के अंदर जाग गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गए बिकॉज ऑफ द फर्म्स एंड मैनी इंडस्ट्रीज एज वेल। ठीक है, सो जिसकी वजह से अब कोरिया में ना कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गई। सो जब कोरिया में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी तो और ज़्यादा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ गई। ठीक है, सो अर्ली 1960 आते आते जो स्टेट पॉलिसी है वो शिफ्ट हो गई थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ, मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। ठीक है, सो अब जो है फोकस वो एक्सपोर्ट की तरफ चला गया था। ठीक है, कि इम्पोर्ट्स तो बहुत हो गई हम, मतलब क्योंकि अब फर्म्स भी आप देखो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है सो वो ट्रेड करती है अगर दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो वो क्या करते हैं, वो इम्पोर्ट्स करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और एंट्रीपोर्ट करते हैं, राइट। सो बट यहाँ पे देखो कोरिया में उस टाइम पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई थी कि इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सो अब कोरिया को जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो कोरिया डिमांड कर रही थी उसके लिए अब कोरिया ने सारा फोकस एक्सपोर्ट की तरफ डाला, कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे सो हमारे पास और जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट। सो अब जो है सारा फोकस वो एक्सपोर्ट की तरफ चला गया था। ठीक है, कोरिया में और भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए, जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, और उनको भी बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, लेट 60s और लेट 1970s के टाइम पे फोकस फिर से लाइट इंडस्ट्रीज की तरफ पे शिफ्ट हो गया, बिकॉज अब जो केमिकल इंडस्ट्रीज थी, जो स्टील इंडस्ट्रीज थी और जो नॉन फेरस मेटल मशीनरी थी, वो सब कुछ जो है फिर से इतना इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी गई थी कि अब उनको और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सो अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ की रेस है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी स्मॉल कंट्रीज़ के अंदर। सो 1970s में एक नया विलेज सिमोन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसने इनक्रेज किया गया और जो रूरल पीपल है उनको बोला गया कि वो ज़्यादा मोबालाइज़ करे, बिकॉज उस टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाउन्स में काफ़ी बढ़ गई थी। सो गवर्नमेंट ने लोगों को बोला कि रूरल जगह पे जाके रहो और उधर भी उनको भी उसी तरीके से डेवलप करो उन विलेजेस को, ताकि वहाँ की भी जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव कर दी जा सके। सो ये जो मूवमेंट था ये लोगों को पसंद भी आया, और लोग जो है अर्बन एरिया से उन्होंने रूरल एरिया की तरफ जाना शुरू करा और उधर भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स बिठाने शुरू करे, जिसकी वजह से कोरिया में काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई थी। ठीक है, सो आज कोरिया जो भी नॉलेज शेयर करता है और जो भी एक्सपीरियंस शेयर करता है वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री की कंपैरिजन में हम देखें तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा था। सो जो सिमोन मूवमेंट हुआ, जिसमें अर्बन एरिया से लोगों को रूरल एरिया में भेजा गया, उस टाइम पे डेवलपमेंट के लिए जो एफर्ट्स डाले गए थे उनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया था। ठीक है, सो कोरिया में अब जो स्टार्लिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसकी वो डिमांड कर रहे थे वो अब उन्होंने अचीव कर ली थी, और इसका हम बोल सकते हैं इसका जो रीज़न था वो था कि इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स आए और बहुत ही वेल ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स आए उस टाइम पे। ठीक है, सो जो एग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको थोड़ा शांत कर दिया गया, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों में कोरिया में जो है इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी गई, जिसकी वजह से अब जो कोरिया है वो इम्पोर्ट्स के साथ साथ एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई। ठीक है, सो अब कोरिया की जो इतनी हाई डोमेस्टिक सेविंग रेट था उसकी वजह से जो हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उधर पे इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू करा, और कोरिया में अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी सेटअप होने शुरू हो गए। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ की फाउंडेशन जो बैठी वो पार्क के अंदर ही बैठी थी। ठीक है, बिकॉज उन्होंने लॉन्ग टर्म पावर के बारे में सोचा था, शॉर्ट टर्म पावर के बारे में नहीं सोचा था। ठीक है, सो पार्क थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से रिवाइज करा और देखा कि क्या क्या चेंजेस जो है हमें लाने चाहिए। ठीक है, ताकि जो थर्ड टर्म है उनको भी रीइलेक्ट किया जा सके 1971 में। सो अक्टूबर 1972 में पार्क ने डिक्लेयर करा और उन्होंने यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा, जिसमें
जो प्रेसिडेंसी है उसको परमानेंटली पॉसिबल, उन्होंने बोला कि जो परमानेंट जो प्रेसिडेंसी है उसको हम परमानेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यूसीन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेसिडेंट थे उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी कि वो लेजिस्लेशन, ज्यूरिडिक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है अगर वो नहीं होता है सो ऑफकोर्स जो है उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। सो जैसे प्रेसिडेंट थे उन्होंने एब्सोल्यूट अथॉरिटी पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा और डेमोक्रेसी पे जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करा, ठीक है। सो जिसकी वजह से फिर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई। सेकेंडली, जब सेकेंड ऑयल क्राइसिस हुई 1979 में, उस टाइम पे ना लोगों को मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, ठीक है। सो जो मतलब इन्वेस्टमेंट की जा रही थी हैवी केमिकल इंडस्ट्री में, वो अब लोगों को लगा कि उधर नहीं होनी चाहिए और ऑयल साइड में ज़्यादा की जानी चाहिए, ठीक है। मोर ओवर जो स्टूडेंट्स थे और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपोजिशन करना शुरू किया और अब उन्होंने बोला कि मतलब जो यूसीन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये गलत है, इसके भी अगेंस्ट इन्होंने अपोजिशन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। सो जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसमें जो पार्क एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंड में मतलब उसका ख़त्म होगी 1979 में, जब पार्क शंघी को असेसिनेट किया गया, उनका मर्डर कर दिया गया था, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुए जिसे जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। सो डेमोक्रेसी की जो इच्छा है ना वो पार्क शंघी के डेथ के बाद और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। सो दिसंबर 1979 में और मिलिट्री ग्रुप इस टाइम पे जो है वो बढ़ने लग गए थे, जैसे कि शुंदू हुआन, उनको भी स्टेज में ला दिया गया। सो मई 1980 में जो मतलब काफ़ी ऐसे प्रोटेस्ट थे जिनकी की सिटीज थी, जैसे कि जहाँ पे स्टूडेंट्स और सिटीजन्स जो है वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। सो मतलब रैलीज वगैरह उस टाइम पे वहाँ पे निकल रही थी, ठीक है। सो जो मिलिट्री फैक्शन थे उन्होंने सोचा कि हम इसको सरप्रेस करेंगे और इसको सरप्रेस करने के लिए जो भी चीज़ हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी हम वो चीज़ करेंगे, ठीक है। सो मार्शल लॉ कंट्री में जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया ग्वांगजू सिटी में, जहाँ पे स्टूडेंट्स और सिटीजन्स वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने डिमांड करा कि मार्शल लॉ भी बंद होगा, और इसको उस टाइम पे ग्वांगजू डेमोक्रेटिसाइजेशन मूवमेंट बोला गया, ठीक है। सो लेटर जो चुन थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यूसीन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो जो चुन एडमिनिस्ट्रेशन जब शुरू हुआ तो उसमें सेपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। जो डेमोक्रेटिसाइजेशन था वो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। जो चुन एडमिनिस्ट्रेशन था अब उसके अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1.7% जो कि 1980 में थी, और 1983 में 13.2% चली गई, मतलब 2 साल में 12% तक वो बढ़ गई थी, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नंबर है अगर हम चेक करें तो, ठीक है। सो अब जो एजुकेशनल लेवल है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, मीडिया के इन्वेस्टमेंट होने लगे, एज अ रिजल्ट जो सिटीज़न है उनमें सेल्फ अवेयरनेस और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो और ज़्यादा ग्रो होने लग गए, ठीक है। सो अब लोग जो है वो डिमांड करने लगे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ताकि मतलब डायरेक्ट इलेक्शन हो ताकि प्रेजिडेंट के लिए। सो मई 1987 में जो चुन एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और बिकॉज उस टाइम पे ना काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जिनको टॉर्चर किया जा रहा था और उनकी काफ़ी उनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। सो जो सिटीज़न है अब उनको ना डर लगने लग गया था, और जो जून में जो डेमोक्रेसी मूवमेंट है वो पार्टिसिपेशन में आ गया, स्टूडेंट्स के मतलब स्टूडेंट्स ने ये सब कुछ करा, मिडिल क्लासेस के स्टूडेंट्स भी, मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं लाइक अगर हम इंडिया में देखें तो मिडिल क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं 6th, 7th, 8th के स्टूडेंट्स, ठीक है। सो कोरिया में बस अलग सिस्टम चलता है। सो इस एफर्ट्स को अगर हम चुन एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें देखें मतलब तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फिर से रिवाइज़ किया गया, और जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसको भी अलोक करा गया, ठीक है। अब कोरियन डेमोक्रेसी का नया चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका था, कोरियन डेमोक्रेसी एंड द IMF क्राइसिस। सो जैसे कि अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बैठ गया था, जो फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन हुए वो हुए 1917 में, कब, दिसंबर में, ठीक है, 1971। सो दिसंबर 1987 में जिनको मतलब किया गया था बेसिकली, ड्यू टू ये जो अपोजिशन पार्टीज थी इनका इतना फेलियर हो गया था, ठीक है, कि जो फेलो मिलिट्री लीडर्स थे जो मिलिट्री फ्रैक्शन के जैसे कि रो थे वो उनको इलेक्ट किया गया। हाउएवर कोरिया ने कंटिन्यू करा कि वो डेमोक्रेसी के पाथ पे ही चलते रहे। 1990s में काफ़ी
लॉन्ग टाइम तक जब वो अपोजिशन किया गया लीडर्स में, जैसे किम योंग सम, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया रो पार्टी को ताकि लार्ज रूलिंग पार्टी जो है वो बनाई जा सके। दिसंबर 1992 में किम, जो कि एक सिविलियन थे जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया, ठीक है, मतलब मिलिट्री रूल्स के काफ़ी डिकेड्स के बाद, उनके इलेक्शन में जो इतना सब्सिक्वेंट डिसोल्यूशन आया, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को ये चीज़ फिर से पसंद नहीं आई। सो अंडर जब ये पॉलिसी थी, जब इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जब इसको ड्राइव किया जा रहा था, उस टाइम पे नई एडमिनिस्ट्रेशन आई और सेवरल कंपनीज जो है वो ग्रोबर प्रोमिनेंस लेके उन्होंने जो है वो मतलब बहुत ही लार्ज नंबर पे ग्रो हुई, ठीक है। सो 1990 से पहले पहले ये चीज़ नहीं थी, बट बाद में जो है ये हो गया, ठीक है। सो जब इतना गवर्नमेंटल सपोर्ट आ रहा था, सो कोरियन की जो भी कॉन्ग्लोमरेट्स थे उन्होंने इन्वेस्ट करा कैपिटल इन कैप, जहाँ पे भी हैवी कैपिटल मिल सकता है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर उन्होंने जो है इन्वेस्ट करना शुरू करा, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट का मेन फोकस था कि वो इंडस्ट्रीज़ और सोशल मैन्युफैक्चर को बिल्ड करने में उनका ज़्यादा मतलब फोकस वहीं पर था उस टाइम पर, ठीक है। मीन वाइल उस टाइम पर अब प्रेशर हो रहा था कि जो किम एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, और उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। बट जब इंक्रीज हुआ ट्रेड डेफिसिट का और पुअर मैनेजमेंट का फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सो कोरिया को अब फॉरेन करेंसी क्राइसिस फेस करना पड़ा 1997 में। सो ये जो क्राइसिस था कहा चला गया, हाँ, इसमें जो भी इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट आता है ना, जो कि IMF प्रोवाइड करता है, वो नहीं प्रोवाइड हो रहा था। सो अब IMF ने जो सपोर्ट करा उसकी वजह से आगे जाके जो है वो हुआ उनका, ठीक है। सो अब जो कंट्री की जो इकोनॉमिक कंस्टिट्यूशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था, ठीक है। सो अब लोन को रीपे करने के लिए अब जो गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट है वही शुरू हो गया था। सो दिसंबर 1997 में जब बड़ा टाइम चला था, जब अपोजिशन पार्टी के लीडर थे किम डे जंग, उनको इलेक्ट कर दिया गया एज द प्रेजिडेंट ऑफ फर्स्ट टाइम इन कोरिया, ठीक है। और उन्होंने फर्स्ट टाइम वो आए और उन्होंने पीसफुल ट्रांसफ़र किया पावर का, कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। पावर 2008 में जब कंजर्वेटिव ली मे यंग बाक उनको जब इलेक्ट किया गया, सो उन्होंने भी रो में ही उनकी ही एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोग्रेसिव करा, मतलब उन्होंने भी लड़ाइयाँ वगैरह नहीं करी। सो 2012 में जो कंजर्वेटिव थे पार्क ग्यून ही, उनको इलेक्ट कर दिया गया एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। सो उन्होंने भी कोई लड़ाई वगैरह नहीं करी, बट उनको ना पॉलिटिकली मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, बिकॉज उनके जो फादर थे पार्क शंग ही, वो भी मतलब एक पॉलिटिकल लेगेसी रह चुके थे, ठीक है। सो अक्टूबर 2016 में उनके जो भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने ना एक गवर्नमेंटल अफेयर बनाना शुरू करा सीक्रेटली, और उनको मतलब एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाद में फेस करना पड़ा था, ठीक है। सो उनका जो ये इम्पीचमेंट था और जो रिमूवल था ऑफिस से, वो हो गया था 2017 के मार्च में, ठीक है। सो अब 2017 में मून जे इन उनको प्रेजिडेंट इलेक्ट करा गया और उन्होंने भी पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करा तीसरी टाइम पर, ठीक है। सो ऐसे जो कैंडललाइट प्रोटेस्ट था वो चलता आ रहा था 2016 तक। सो जो कोरियन डेमोक्रेसी थी उसमें मतलब अब ऑफकोर्स कर्ज आ गया था उनके पास IMF का, बट धीरे 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 उन्होंने जो है इस रोल्स को मतलब लेन पूरा पे कर दिया था, ठीक है। टू रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन, सो जैसे अभी हमने देखा, हमने जापान और चाइना के बारे में बात करा, ताइवान और कोरिया की स्टोरीज के साथ, ठीक है। सो हमने देखा कि कैसे दोनों की जो हिस्टोरियल कंडीशन थी ना, वो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, बट सभी ने अलग अलग पाथ लिया और एंड में जो है सारी मॉडर्नाइज हो गई, ठीक है। और हमें ये भी पता चला कि ज़रूरी नहीं है अगर किसी कंट्री को मॉडर्नाइज होना है तो उसको वेस्ट का वो ही लेके चलना पड़ेगा, नहीं, अपने जो ट्रेडिशन है वो लेके भी सामने वाला चल सकता है। जैसे चाइना का हमने एग्जांपल लिया, हमने जापान के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि ईस्टर्न कंट्रीज है, बट ये डेवलप्ड कंट्रीज है, राइट। बट ये अब जब उस टाइम पे बात आ गई थी कि जापान को वेस्ट में चले जाना चाहिए, बट नहीं गया जापान, बिकॉज अपने ट्रेडिशन को जिंदा रखते रखते भी कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो मॉडर्नाइज हो सकती है, ठीक है, वही हमने इस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। सो ये नोट करना इम्पॉर्टेंट है कि जो सोशल और पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है। तो डेली लाइफ में आता रहता है, जैसे मेजी स्कूल सिस्टम था उस टाइम पे कितने चेंजेस आ गए, ठीक है। उसके बाद जब मेजी सिस्टम हटा दो, वेस्टर्न सिस्टम फिर से आ गया, ठीक है।
सो अब जब चाइनीज का जब पा जैसे हमने चाइनीज का पा देखा मॉडर्नाइजेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा अलग था, और जहाँ पे वेस्टर्न और जापनीज दोनों को कंबाइन करके उन्होंने जो है किंग डायनेस्टी ने एंश्योर करके रखा हुआ था, ठीक है। सो वैसे ही और कहीं हमने पढ़ा कि कैसे अटैक्स हुए वॉर की वजह से, जिसकी वजह से आगे जाके मतलब जो है मतलब हिरोशिमा और नागासाकी में कैसे अटैक्स हुए। फिर जो 19th और 20th सेंचुरी है वहाँ पे एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला था ट्रेडिशंस का, ठीक है। और अब उस टाइम भी लोगों ने बोला कि हमें ना यूनिटी और स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, तब CCP और उसके सपोर्टर्स थे, उन्होंने ट्रेडिशन को एंड करने की बात करी, ठीक है बाद में। बट उसकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी में तो इतना ज़्यादा इतनी सारी पॉवर्टी थी, वुमेन को सब्जुगेट किया जा रहा था और कंट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनडेवलप्ड थी, तो बाद में CCP को हटा दिया गया। CCP के अगेंस्ट जब लड़ाई की गई, सो CCP के जो लीडर थे, कौन से CCP के लीडर थे, माओ ज़ेडुंग, ठीक है। सो जो पार्टी है, फिर पार्टी ने बाद में नई मार्केट रिफॉर्म्स लाई और चाइना में जो सक्सेसफुली इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट आ गई थी, ठीक है। फिर अब चाहे जापान हो या चाइना हो, दोनों ही अब जो है काफ़ी ट्रेडिशनली मॉडर्न कंट्री है, राइट, ट्रेडिशन भी है और वो मॉडर्न भी है, ठीक है। सो इसी तरीके से चाइना और जापान दोनों ने अपनी अपने ट्रेडिशन को रखे हुए अपने साथ, अपने ट्रेडिशन के साथ उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करा, ठीक है। सो यस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड आर क्लास 11th लास्ट वीडियो, ठीक है। ये लास्ट था हमारी क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर। सो द अपकमिंग वीडियो इज़ गोना बी आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री, सो देन आर हिस्ट्री विल बी ओवर, ठीक है। सो यस, दैट वॉज इट। सो आई होप यू लाइक दैट। यस, थैंक यू वेरी मच।